भोजपुरी सिनेमा जगत की जिस तरीके से फिनिश कर आज रघवानी जी आ रही थी, आप आई थी, आपको जनता उनका कितना समर्थन मिला आपको जनता के बीच में? देखिए पहले बात तो मैं, मेरा नाम है दीपक बाबा और मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आज इसे देख रहे होंगे मैं उनका भी आभार व्यक्त करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि कल जब यहाँ पे आगमन होला था उनका भोजपुरी की सुपरस्टार काजल राघवानी जी का, तो मेरे समर्थन पे यहाँ पे आ रही थी। तो मैं आपको बता दूँ कि उनका एक भाई है जो फौजी है और वो मेरे सानिध्य में रह चुका, हम दोनों एक साथ रह चुके हैं और हमारी पूरी पहले की उनकी संबंध थी। लेकिन जब मेरा टिकट काटा गया तो जब मैंने उनके भाई से बात किया तो उन्होंने कहा कि वो व्यस्त तो हैं, उनके पास समय नहीं है, लेकिन उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने बहन से बात करता हूँ और मैं उन्हें भिजवाने का काम करूँगा। तो उसने बात किया और अगले ने मुझे भिजवाया। और मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरा कल का कार्यक्रम था, कल के कार्यक्रम को मगर बाबा जी, कल कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो आपके जितने कार्यकर्ता थे पूरा कारभार संभाले थे, प्रशासन क्यों नहीं वहाँ पे कारभार संभाली थी? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की दबाव थी और किस तरह की दबाव थी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं परमिशन ले लिया था, मेरा परमिशन 6:30 से लगभग 8 बजे तक का था, 1.5 घंटे का समय मुझे मिला, तो प्रशासन को जो है मुझे सुरक्षा देनी चाहिए थी, ये उनका जो है उनके कार्य क्षेत्र में था कि और उनकी जिम्मेदारी थी और पूरे, लेकिन उन्होंने मुझे बार बार मेरे रास्तों में व्यवधान किया और जो रोड शो होना था सबसे पहले तो उन्होंने रोड शो मुझे देकर उसका जो ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद उसे जो निरस्त किया। सबसे बड़ी सवाल लेके यहाँ पे खड़ी होती बाबा जी, भाजपा से किंग मेकर कहे जाने वाले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और पंकज चौधरी और यहाँ से पूर्व विधायक बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, क्या इन दोनों के बीच में आप जनता के बीच में लोकप्रिय हो पाइएगा? नहीं देखिए, मैं आपको बताते चलूं कि आज का, अगर आपको मालूम ना हो तो आपको संज्ञान में डालना चाहूंगा और आपके चैनल के बारे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके संज्ञान में डालना चाहूंगा। आज अगर नगर की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो दीपक बाबा से लड़ रहा है, आज अगर कोई नगर की लड़ाई लड़ रहा है तो नगर के जो आम जनमानस है उनसे लड़ रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता है कहीं ना कहीं वो आज दीपक बाबा के पीछे लगे हुए हैं। तो सिद्ध होता है कि नगर की आम जनमानस जो एक छोटे से दीपक बाबा के हैसियत को बढ़ाकर उस लेवल तक पहुंचा दिया है। नहीं देखिए, इसमें लोकप्रियता की बात मैं आपको बता दूं, मैं फौजी होने के हैसियत से बताना चाहूंगा, ये मेरा स्वभाव है। जब मैं चुनाव यहाँ का हारा था, लोग, मैं बहुत नया था, लोग मेरे बारे में जानते नहीं थे, मेरे स्वभाव से परिचित नहीं थे, मेरे समर्थता को अपने संज्ञान में नहीं ले पाए थे, लेकिन मैं मेरे समर्थता को अपने संज्ञान में नहीं ले पाए थे लेकिन मैं अनवरत 6 वर्ष उन लोगों के बीच में बना रहा, उनके सुख दुख में पड़ा रहा और उनके साथ चलता रहा। कोरोना काल हो या बाढ़ से ग्रसित कुछ क्षेत्र थे यहाँ के नगर पंचायत के, मैं उनमें भी चलता रहा। कई कई चीज़ें थी, जैसे बिजली विभाग को लेकर यहाँ पे जब युवागण जब रोड पे उतरे उसमें जो है कि पद पे आधीन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें जेल तक का रास्ता दिखाया। सिरहिया का एक मैटर था जो आज पूरे जिले के संज्ञान में है, वहाँ की जब बात आई 35-35 लोग जेल में थे, आज भाजपा की सरकार थी, आज मंदिर की बात थी, उसी मंदिर के लिए को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज की महिला तक मेरे साथ जेल में थी और कई मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति थे वो जेल में थे, लेकिन उसे किसी ने नहीं कहा। ये कैसा भी ग्राम सभा है नगर पंचायत कुनौली में कि जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लोग मंदिर को लेकर जेल तक की यात्रा करते हैं, आज मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ इस तरह के लोग। इस समय सबसे बड़ी नगर निकाय चुनाव में एक सवाल खड़ी होती है, क्या जातिता पे कितने लोग चल रहे हैं, क्या जातिता से कुछ आपको फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे? नहीं देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने कई दफा मंचों से भी कहा है और लोगों के बीच भी रखा है, यदि फौजी पाठशाला से निकला हुआ व्यक्ति है और यह ना तो गुरुकुल का है ना तो मदरसे का है, इसलिए मेरे लिए सर्व समाज ही, ये सर्व समाज जो है वही मेरे लिए सब कुछ है और मैं किसी समाज विशेष की बात नहीं करता, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। और मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर जो भी व्यक्ति समाज की बात करेगा, जो भी जात पात की बात करेगा, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, उसके वो कर्महीन होगा, उसके पास कर्म में कोई निष्ठा नहीं। मैदान में उतरे हुए सारे नेता विकास की मुद्दे की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, आपका विकास की परिकल्पना क्या रहेगी? देखिए मैं विकास के बारे में आपको बता दूं, विकास का कोई बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत से विकास होने शेष है, क्योंकि नगर पंचायत नया है, 5 साल की अवधि सिर्फ विगत 5 सालों से ही ये नगर पंचायत बना है। तो मैं आपको बताते चलूं कि जो नगर पंचायत में बहुत से काम शेष है, लेकिन मैं एक फौजी होने की हैसियत से और एक निष्ठावान व्यक्ति होने की वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी विकास कार्य है
जैसे शिक्षा को लेकर है, कई स्कूलें हैं जो यहाँ पे प्राथमिक पाठशालाएं जिनकी छतों छत टूट टूट के गिर रहे हैं, अध्यापिका और बच्चे वहाँ पढ़ नहीं सकते। यहाँ नगर के बीच में जो प्राथमिक पाठशाला गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं वहाँ पे पानी भर जाते हैं, जल जमा हो जाता है, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, ये स्थितियाँ हैं। यहाँ पे जो हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया जो बॉर्डर के तरफ है और जहाँ पे एक भी जो मरीज का कोई भी व्यवस्था वहाँ नहीं, वो दिखाने तक नहीं जा पाता क्योंकि वहाँ संसाधन की जो है कि संसाधन उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बताते चलूँ ऐसी कई चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें जो मेरी नज़र में और मेरे जद में है क्योंकि मैंने अपने पक्ष से इस पूरे नगर पंचायत को देखा है, अपने पक्ष से अपने कदमों से इस पूरे नगर पंचायत। आप देख रहे हैं DBS News।